स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। तो बात करते हैं सबसे पहले एक अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, लगातार देश भर में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग सड़कों पर जो है ऑक्सीजन सेंटर्स के बाहर बाटला लेकर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सिलेंडर्स होता है, जो बाटला होता है, उसे भराने के लिए, उसे रिफिल कराने के लिए लोगों की लंबी कतारें आपको देखने को मिल सकती है तमाम ऑक्सीजन सेंटर्स पर, जहाँ पर भी जो है भराई जाती हैं। बात करें देश में इस समय हालात इस कदर है कि ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए, जी हाँ, जो लिक्विड ऑक्सीजन एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि लगातार हॉस्पिटल अब जवाब दे चुके हैं कि उनके हॉस्पिटल्स में एक या डेढ़ घंटे की जो है ऑक्सीजन बची है मात्र, बाकी जो है वो एडमिट तक नहीं कर रहे हैं नए मरीजों को। तो बात करें महाराष्ट्र की, इसी हालात को देखते हुए जहां लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब हालात इस कदर आ चुके हैं कि 1 मई को जहां लॉकडाउन खत्म होने जा रहा था, अब उस लॉकडाउन को एक बार फिर से आगे बढ़ाने की बातचीत शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, ये घटना तब की है जब मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, उसके बाद से ही महाराष्ट्र में जो है दूसरा नंबर आ चुका कि अब महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस को देखते हुए और साथ ही जो मेडिकल स्वास्थ्य हैं, जो मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी यही कहना है कि अब हमारे पास भी जो सिस्टम है, जो जो स्थिति है, उसको देखते हुए जो है कोरोना वायरस पे इस आंकड़ों को अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है। तो यानी महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ना तय हो चुका है लगभग, जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से। और महाराष्ट्र में अब इस बार लॉकडाउन जब लगेगा तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें खुल सकती हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें बंद हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी, उन तमाम फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि जब तक देश भर में ऑक्सीजन का जो है पर्याप्त भंडार नहीं हो जाता, तब तक किसी भी मेडिकल को छोड़कर किसी भी अन्य डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होने वाली। तो दूसरी तरफ दुकानों को लेकर जाती है दोस्तों, एक बड़ा फैसला आ सकता है। या तो दुकानों को खोलने के लिए 2 शिफ्ट में सरकार मंजूरी दे सकती है, सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 के बीच में, या फिर सरकार जो है इन तमाम दुकानदारों और तमाम मजदूरों के लिए जो है एक अच्छा खासा पैकेज दे सकते हैं, क्योंकि लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जान बचाने जरूरी है, साथ ही जहान भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि लोगों के पूरे किराया देना है, EMI भरना है, बैंक के लोन देना है, तमाम चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र में इन तमाम चीज़ों पर जो है सरकार छूट दे सकती है। तो आपकी क्या राय कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा।